लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ठीक है, मैं बात करता हूं। जी कुरकुटे साहब, ट्रक काय को पकड़ा? सर, हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिली है कि इस टैंकर में मिलावटी दूध है। हाँ, चल छोड़ दे, बोला ना। आप कहते हैं तो ठीक है, टैंकर को जाने दे। ओके।
सब के सब मिले हुए का इलेक्शन में कितना टाइम लगेगा बताइए ना साहब, ताकि हमें भी इलेक्शन के लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी शुरू कर दो ना देशमुख साहब। अरे इलेक्शन जल्दी आ रहा है, इसलिए मीटिंग बुलाई है। इलेक्शन कब है पाटिल साहब? बस 2 महीने बाद। देखो अपने अपने वार्ड में जाकर जोरों शोरों से प्रचार शुरू कर दो, और एक बात ध्यान में रहे, सहयोगी पार्टी की खामियां जाहिर करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ना। ओके? हाँ सर, इस टाइम तो हम उस होम मिनिस्टर के धज्जियां उड़ा देंगे। अरे मंत्री जी, आप क्या किसी की धज्जियां उड़ाएंगे? धज्जियां तो इस बार आप सबकी उड़ने वाली हैं, और वो भी मंत्री कुरकुटे के हाथों। क्यों भाई, मैंने ऐसा किया क्या जो कोई मेरी धज्जियां उड़ा देगा? अफसोस की बात तो यह है कि आप कुछ करते ही नहीं, उसके बावजूद सब कुछ हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताएंगे। वही जो पहले होता आया है, मेरा सस्पेंशन। सस्पेंशन? किसने किया आपको सस्पेंड? आपने ऐसा किया ही क्या है? कुछ नहीं सर, मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, और क्या। कल मुझे पता चला कि दूध के कुछ मिलावटी ट्रक्स मुंबई आ रहे हैं, मैंने उन्हें चेकपोस्ट पर रोक लिया। उसके कुछ घंटे के बाद कमिश्नर साहब का फोन आया, उन्हें छोड़ दो, और मैंने उनका यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया, अपना फर्ज पूरा किया, और फर्ज पूरा करने के एवज में मुझे कोई मेडल तो नहीं मिला, हाँ उसकी जगह एक सस्पेंशन लेटर जरूर मिल गया। कोई बात नहीं, मैं देखता हूं आपका सस्पेंशन कैंसिल हो जाएगा, पर क्या करूं, यह मिली जुली सरकार है ना, कुरकुटे का कुछ तो सुनना ही पड़ता है। तो सुनिए और देखते रहिए कि इलेक्शन से पहले किस तरह वो गिन गिन के आपके सारे ईमानदार ऑफिसर्स को एक एक करके सस्पेंड करा देता है, देख लीजिए। हेलो सर। आइए आइए, आप ही की कमी थी भोसले साहब, बैठिए। सर नमस्ते। नमस्ते, और बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। होना क्या था सर, मुझे भी सस्पेंड कर दिया। भोसले, आपको सस्पेंड किया? अरे आपने ऐसा किया क्या है जो आपको सस्पेंड कर दिया गया है? सर कल जब हमें खबर मिली थी कि कालीघाटी के पीछे एक मर्डर हो गया है, मैं वहां गया, मैंने लाश को बरामद किया और पंचनामा किया। इंक्वायरी करने के बाद सर पता चला कि जिन लोगों ने यह मर्डर किया है वो होम मिनिस्टर साहब के आदमी थे। जब मैं होम मिनिस्टर साहब के यहाँ इंक्वायरी के लिए गया तब उन्हें बुरा लगा और कमिश्नर साहब से कहकर उन्होंने मुझे सस्पेंड करवा दिया। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं? ये सलाह कुरकुटे, हम लोगों का दोस्त है या दुश्मन? सिर्फ उन्हीं अफसरों को सस्पेंड कर देता है जो सच्चे और ईमानदार है और जो हमारे लिए काम करते हैं। पीएम साहब, राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। डीआईजी से मिलजुल कर इनको बाहर कर दे। भोसले, तुम एक एप्लीकेशन लिखो, मैं दिखता हूं तुम लोगों की बाहरी कैसे होगी। अरे कोई भी अच्छा काम कर दे जाओ, कुरकुटे टांग अड़ाता ही है, सरकार गिराने की धमकी देता है, अब दिखता हूं कैसे गिराता है ये सरकार। पाटिल साहब, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, सरकार 2 महीना चले या नहीं चले, आप है इन दोनों का सस्पेंशन लेटर पहले कैंसिल करवा दीजिए। ठीक है, मैं सब देखता हूं। ये होम मिनिस्टर की वजह से पूरा पुलिस खाता सड़ गया, जितना देखो घुसखोरी लूट मारी। अब जानते हैं खास साहब, 2 महीने पहले पुलिस भर्ती हो गई, ऐसे लड़कों को पैसे लेके भर्ती किया गया जो पुलिस क्या वॉचमैन बनने के भी काबिल नहीं। पता है, तभी वही हुआ जो आज हुआ है, तब भी मैं सस्पेंड था और आज भी मैं सस्पेंड हूं। वो तो शुक्र है वकील वर्मा का, जिनकी कोशिशों की वजह से
मेरी नौकरी बहाल हो गई। अब सर इम्तिहान आपका है, अब देखना यह है कि आप मेरे लिए क्या करते हैं। अगर आपने मेरी नौकरी बहाल कर दी ना, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं, यह एसपी खान आपसे वादा करता है कि मुल्क और कौम की भलाई के लिए मैं अपनी जान तक निछावर कर दूंगा, अपने खून की एक एक बूंद बहा दूंगा मैं सर। बस यही आपसे कहने आया था। चलता हूं, आओ भोसले। नमस्ते। नमस्ते। सच्चाई और ईमानदारी का ये सिला है जो मुझे दिया गया है इस निकम्मी सरकार ने, और वो भी होम मिनिस्टर बालकिशन कुरकुटे के हाथों। पढ़िए। हाय अल्लाह, बगैर नोटिस सस्पेंड लेटर। ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया आपने उनकी नजरों में? अगर कोई गलत काम करता शायद प्रमोशन मिल जाता। जब भी गुनाह करने से रोकता हूं तो या तो सस्पेंशन लेटर मिल जाता है या ट्रांसफर लेटर मिल जाता है। कितनी बार इस सस्पेंशन और ट्रांसफर की आंधी झेल चुका हूं अब तक मैं, और कितनी झेलनी है ये भी नहीं कह सकता। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हाँ नहीं, आपने मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। अगला इलेक्शन 2 महीने के बाद है। कब नौकरी ज्वाइन करूंगा पता नहीं। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते महीने गुजर गए। देखिए, हमारी बच्ची का एक ही सपना है, MBA करने का। लेकिन आपके तबादले इसी तरह होते रहे तो इसकी पढ़ाई पूरी कैसे होगी? जब भी सस्पेंड हो जाते हो तो हमें ननिहाल क्यों भेज देते हो? इसकी वजह से हमारी स्टडी में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो बेटे, मैं ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने वाला खुदा का एक नेक बंदा हूं। मुझे जो भी तनख्वाह मिलती है आधी तो मेंटेनेंस में चली जाती है और आधी तुम्हारी एजुकेशन और घर के खर्च में। और अब तो मेरे पास नौकरी भी नहीं है। बेटे अपनी अम्मी को ये समझाइए कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो वक्त के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त है। पापा, आपने जो भी कहा एकदम ठीक था, लेकिन अगले सोमवार से हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। देखिए, आप ये नौकरी छोड़कर कोई और बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर देते? इस बार बार के सस्पेंशन से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं अपने मजहब और अपने पुराने पाक को बेईमानी के रास्ते पर चलकर रुस्वा नहीं होने दूंगा। कल मुझे अल्लाह पाक को मुंह दिखाना है। मैं इस सिस्टम, इन हालात को बदल कर रख दूंगा। आज हालात ठीक नहीं है ना, कोई बात नहीं, कल सही हो जाएंगे।
हाँ भोसले बोलिए। सर मुझे अभी आपसे मिलना है। क्यों, क्या बात है? सर मुझे कुछ खास बात करनी है। ठीक है, कहाँ मिलोगे? रात को 10 बजे मैं आपको सिटी बार में मिलता हूँ सर, मैं आपका इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रात में वहां पहुंच जाऊंगा। ओके सर। ओके परवीन, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, आप खाना खा लीजिएगा। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी। चलो।
भोसले, भोसले उठो, भोसले होश में आओ। क्या हालत बना रखी है तुमने? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बैठिए ना सर, सर बैठिए ना। मैं कहता हूँ उठो, तुम पूरी बोतल खत्म कर चुके हो। आइए सर बैठिए। भाई भोसले, ये बार में तुम्हें क्या हो गया था? उस वेटर का ये कसूर था कि उसने तुमसे बिल मांगा और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। वेरी बैड, बहुत बुरी बात है ये। देखो भोसले, मेरी मानो तो अब तुम शादी कर लो। किस तरह ये अकेले अपनी जिंदगी गुजारोगे? अच्छा तो ये बात है। अरे हाँ भोसले, जब हम पाटिल साहब के यहां गए थे ना, तो उन्होंने तुमसे कुछ भर्ती की बात की थी। क्या पूछ रहे थे मैं समझ नहीं पाया, जरा डिटेल में बताओगे? सब बताता हूँ सर। 2 महीने पहले जब आप सस्पेंड थे, यानी आप काम पर नहीं थे, उस दौरान होम मिनिस्टर और कमिश्नर ने हम सब ऑफिसर्स को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उस मीटिंग दौरान पुलिस भर्ती के बारे में हमें बताया गया। पुलिस भर्ती के दरमियान जिन बच्चों ने पैसे दिए सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया गया और जिन बच्चों ने पैसे नहीं दिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया सर। उसमें से एक लड़के ने आकर मुझे कहा, सर आप इंस्पेक्टर हैं, हम फिजिकल और ओरली टेस्ट में पास हुए हैं सर, आप हमारे लिए कुछ करो। तब मैंने उनसे बोला कि ये भर्ती सिर्फ होम मिनिस्टर और कमिश्नर के रिश्तेदारों के लिए हुई है और कुछ नहीं कह सकता। हाँ एक बात हो सकती है, जब हमारे खान साहब ड्यूटी पर आएंगे, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। एक काम कीजिए, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दीजिए, खान साहब आने के बाद मैं आप सबको बुलाता हूँ। तब उन्होंने मुझे उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए सर। वो नंबर है तुम्हारे पास? जी दिखाओ। देता हूं सर। ये रहे सर वो नंबर। इसके बारे में कल सोचते हैं। ठीक है। अच्छा बोसले, बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूं, तुम भी आराम करो। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट। लीजिए चाय। क्यों जी, कल रात भर कहां थे आप? घर परिवार की कोई फिक्र है या नहीं आपको? क्या बताएं परवीन, पुलिस की नौकरी कुछ ऐसी है। कल रात भोसले ने फोन किया था, भोसले ने कसम दे दी तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। मुझे लगा कि इतनी रात गए फोन किया है तो जरूर कोई इमरजेंसी होगी और वो किसी मुसीबत में होगा। क्या बताई उन्होंने वजह अपनी परेशानी की? क्या बताऊं परवीन, सस्पेंड होने की वजह से उसने बहुत शराब पी ली थी, वो अपने होश में नहीं था। अब ऐसी हालत में मैं उसे छोड़कर कहां जाता, इसलिए मैं उसे बाहर से सीधा उसके घर ले गया।
वहां नशे में धुत भोसले ने मुझे पूरी अपनी आप बीती सुनाई। ऐसी कौन सी खास बात बताई उन्होंने जो आपको सारी रात उनके पास रुकना पड़ा? देखो परवीन, हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब भोसले की प्रॉब्लम क्या है ये तो वो बेचारा खुद ही जान सकता है। हम तो सिर्फ उसे दिलासा दे सकते हैं, इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर मुझे भी तो बताइए, उनकी जिंदगी का क्या गम है? पहले तो उन्हें कभी शराब पीने की आदत नहीं थी, अब अचानक कैसे लग गई? टेंशन ये है परवीन के, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। मेरी शादी मेरे मामा की लड़की के साथ होने वाली थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे मामा से 20 लाख रुपए दहेज में मांगे। मैं दहेज के खिलाफ था सर। मैं दहेज कैसे ले सकता हूँ सर? आप मेरे गुरु हैं, आपने ही मुझे ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है सर। मैंने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर होना क्या था सर, मेरे पिताजी ने मेरी सगाई तोड़ दी। तब से मैंने शादी करने का इरादा ही बदल दिया सर। इसलिए वो अपना गम भुलाने के लिए शराब में डूब गया है। तो अभी भी क्या बिगड़ा है? अरे पूरी जिंदगी बाकी है उसकी। भोसले एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है, और आप ही ने तो बताया था वो श्रीरामपुर के सबसे रईस आदमी का बेटा है। अरे तो उनके लिए रिश्तों की क्या कमी, एक से एक सुंदर लड़की मिल जाएगी उन्हें। उसने ये कसम खाई है कि वो अब कभी शादी नहीं करेगा। ये भी कहता है कि सारी जिंदगी देश की सेवा में निछावर कर देगा, और अगर दुश्मन के हाथों मारा भी गया तो शहीद कहलाएगा, ये कह रहा था। लीजिए, आपकी तो चाय भी ठंडी हो गई। टाइम क्या हो रहा है? ओ, 10 बज गए। कोर्ट जाना है, वर्मा जी से भी मिलना है, और दफ्तर जाकर तनख्वाह भी तो लेनी है। परवीन जल्दी मेरा नाश्ता तैयार कर दो। जी। हाँ रामलाल, मैंने जज साहब से कल की तारीख ले ली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, समय पर आना। उस बार तुमने जो गलती की थी ना, इस बार नहीं होनी चाहिए, जज साहब नाराज हो जाएंगे। खान साहब चाय पीजिए, ये आप ही की तरह कड़क है। बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वर्मा जी, प्यासा कुएं के पास क्यों आता है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो ठीक, फरमाइए, ये कुआ आपकी क्या सेवा कर सकता है? वर्मा जी, आपको कोर्ट में मेरे बिहाफ पर एक पेटीशन दायर करनी है कि मुझे सस्पेंड करके जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ इंसाफ हो, मेरा सस्पेंशन रिवोक हो, और मेरी नौकरी को दोबारा बहाल कर दिया जाए। तो ठीक है खान साहब, मैं आपकी फाइल बनाकर कोर्ट में पेश कर देता हूँ, और फौरन हियरिंग के लिए तारीख ले लेता हूँ। वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये आ गए इंस्पेक्टर, तशरीफ रखिए, बैठिए। थैंक यू। इन्हें भी हमारी तरह ईमानदारी के कीड़े ने काट लिया है। अच्छा। तो बताइए मिस्टर भोसले, आपके क्या हालचाल है? हालचाल क्या होंगे, ये भी हमारी तरह सस्पेंड है। बस वर्मा जी, इतना कर दीजिएगा कि खान साहब के फाइल के साथ मेरी भी फाइल जज साहब के सामने पेश कर दीजिएगा। ठीक है भोसले साहब, आपकी फाइल भी खान साहब की फाइल के साथ में हम जज साहब के सामने पेश कर देंगे। धन्यवाद सर। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप मेहनत और ईमानदारी के साथ में अपना काम करते रहिए, बाकी आपके कर्मों का फल तो ऊपर वाले के हाथ है। जी हाँ वर्मा जी, एक ऊपर वाले पर ही तो भरोसा है, वरना इंसान का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब कौन सा रंग दिखा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार सर। अरे पांडू, तू यहाँ क्या कर रहा है?
चुपचाप पतली गली पकड़ के यहाँ से निकल जा। अगर किसी ने तुझे हम दोनों के साथ देख लिया ना, तो तू भी हमारी तरह सस्पेंड हो जाएगी, समझा? जा। अम्मी, कल शाम को टेबल पे टीवी के पास मैंने अपनी फाइल रखी थी, तो आपने कहीं और जगह रख दी क्या? मुझे मिल नहीं रही है। ओ शिट, मुझे लेट हो रहा है अम्मी। प्लीज आप मुझे ढूंढ के दीजिए ना जल्दी। क्यों बेटे, क्या ढूंढ रही है? जी पापा देखिए ना, कल मैंने टीवी के पास अपनी प्रोजेक्ट फाइल रखी थी, तो अम्मी ने यहाँ से उठा के कहीं और जगह रख दी। कौन सी नई बात है? फिर वो मुझे कैसे मिलती? मिलेगी कैसे, लापरवाही से कहीं भी छोड़ देती हो। लापरवाह लड़की, मैंने उठाकर अंदर रख दी थी। ये ले। थैंक यू। बेगम साहब, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जहाँ हमारी बिटिया फाइल रख दे, उसे कहीं और मत रखा कीजिए। हमारी बिटिया डिस्टर्ब होती है। जा बेटे जा। बाय पापा। बाय बेटे। देखिए, ये आपका घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। अपना ये रॉब है ना, और कायदे कानून पुलिस स्टेशन में ही छोड़कर आया कीजिए। क्या मिला है आपको वफादारी और ईमानदारी की नौकरी से? अपना एक मकान तक तो ले नहीं सके आप, बाकी लोग कहां से कहां पहुंच गए? आप समझती क्यों नहीं है? कुछ नहीं समझना है हमें, बहुत समझिए आपको, अब और समझने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझती है, मुझे मेरे खानदान की फिक्र नहीं है? मैंने ये नौकरी करके अपने खानदान की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, और अल्लाह ने हमें साथ इज्जत के दो वक्त की रोटी दी है, और हमें क्या चाहिए? देखिए, अब हमारी रुखसार MBA पूरा कर लेगी, शादी की उम्र हो गई है उसकी, और शादी के लिए लाखों रुपयों का खर्च होता है, कहां से होगा उसका इंतजाम? और आपकी नौकरी तो ऐसी है कि हर 3 महीने में सस्पेंड होकर घर बैठ जाते हैं। आप ये सारी जिम्मेदारियां हम पर छोड़ दीजिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास है। हम अपनी बिटिया की शादी एक पुलिस ऑफिसर से करवाएंगे। पुलिस ऑफिसर से? बिल्कुल नहीं। अरे क्या रखा है पुलिस की नौकरी में? मैंने तो सोच लिया है, अपने रुखसार की शादी मैं तो अपनी फूफी के बेटे से करवाऊंगी। डॉक्टरी पढ़ रहा है, बड़ा ही नेक और समझदार लड़का है, घर का बिजनेस है। हमारी रुखसार बड़ी खुश रहेगी उसके साथ। आपकी क्या राय है? जब आपने सोच ही लिया है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। अल्लाह जो भी करेगा हमारी बेहतरी के लिए करेगा। अब जाइए, हमारे खाने का इंतजाम कीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। अरे खुद को क्या गोली मारना, सामने वाले को ठोकने का, ये सच्चा पुलिस वाला है ना साला। मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक एक को रास्ते पे ठोक डालूंगा। डिस्केव 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 ऐसे घोसले। आइए सर। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं सर, मार्केट से सिंघम की सीढ़ी लेके आया था, बस वही देख रहा था। सुबह से यही फिल्म देख रहे हो? जी। क्या बात है फिल्म में जो बार बार यही देख रहे हो? देख लीजिए खान साहब, यह है ईमानदारी और सच्चाई का नतीजा। खुद को गोली मार दो, बस यही है सच्चाई। ईमानदारी और सच्चाई से कुछ हासिल नहीं होता है सर। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब देखें यही रो किस तरीके से अपनी जान पर खेल कर पूरा का पूरा सिस्टम बदलने का प्रयास करेगा। देखो फिल्मों में सही, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया। 25 साल में आपने क्या किया सर? आप और मैं वही के वही हैं ना?
आप और वो झूठे एक ही बैच के थे ना सर? आज वो कहाँ है? उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास, और वो खुद एक कमिश्नर हैं। वो बेचारे अपने हस्बैंड आप क्या हो बचाने के चक्कर में मेरे वही के वही एसपी। एक बात बताऊं बॉस, दूसरे पे कीचड़ उछालने से खुद जब तुम ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन कभी मैंने तुम्हारे तेवर देखे। आपके कई गैर कानूनी धंधे हैं। मुझे लगता था कि ये ऑफिसर कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला, लोगों का सेवा करता हूँ आते के देवों को। उसके बाद ऐसा कहना है कि आपके तुम जैसे कई ऐसे ऑफिसर देखे जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन उनकी ये सच्चाई और ईमानदारी उनके बड़े अफसरों के सामने बिल्कुल नहीं चल पाए। लोग सुनते तो करीना कपूर को प्रधानमंत्री बना लो, क्या बताएं भोसले। राकेश कदम ये जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं ना, उसके इनकी वजह से हमारा ये सारा का सारा जो सिस्टम तो है ना, ये खुद को गोली मार दी। अगर फिर भी आप लोगों को मैं गलत लगता हूँ तो मुझे गोली मार दीजिए सर। मारून टाका माला माला काय वाटणार नाही, मुझे सजा दीजिए। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। आने में बड़ी देर लगा दी आपने, क्या बात है? सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर मैडम को हॉस्पिटल में ले गया था इसलिए देर हो गई। तेरा मरना तो पक्का है जयका, देख लेना जयका। बहुत हो गया, बहुत हो गया। दूसरे वो टेलीफोन वाली डायरी लाओ। जी सर। ये है नंबर सर, हजारों लड़के थे, इनमें से कईयों के नंबर इसमें हैं। अरे इनमें तो सारे जिलों के कैंडिडेट्स के नंबर हैं। हाँ सर, हजारों लड़के थे लेकिन बिना सिलेक्ट हुए चले गए वो, लेकिन जाते जाते अपना नंबर दे गए। बात समझ में आ रही है। तुम भी कुछ कहना चाहते? बता दो साहब, जब से आप सस्पेंड हुए हैं आपकी जगह एक नए अफसर आए हैं, उनका नाम है गोडबोले। सर वो बार बार कमिश्नर के घर जाते हैं, एक बार मैं भी गया उनके साथ में, वहां क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। तो तुम क्या वहां छक मारने गए थे? वहां क्या हो रहा था तुमको पता नहीं चला? अरे भोसले साहब, आप तो बड़े अफसर हैं, आपकी हर बात हमको माननी पड़ती है। जब मैं गोडबोले साहब के साथ वहां गया, गोडबोले बोले पवार तुम बाहर बैठो, मेरे को बैठना पड़ा। अंदर क्या बातें चल रही थी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बाद में वो बड़ा साहब जिसने आपको सस्पेंड किया ना, और जिसने मेरे बेटे के एडमिशन नहीं होने दी, वो साहब अपना होम मिनिस्टर पी के कुरकुटे आया था वहां। बाद में उनकी क्या बातचीत चालू थी कुछ समझ में नहीं आया। भोसले तुमने पी रखी है, तुम्हें नशा चढ़ा है, होश में आओ। ईमानदारी और सच्चाई से कुछ नहीं होता सर। तो कमिश्नर और गोडबोले को देखिए, वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है ईमानदारी और सच्चाई से काम करते करते एक दिन हम लोग मर जाएंगे, लेकिन आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। साहब आपका आदर्श लेकर हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी यही हमारा फर्ज है साहब। सर हम आपके रास्ते पे चल रहे हैं, इसके चलते बड़े अफसर और नेता लोगों के गालियों के शिकार हो रहे हैं सर हम। चलो कल मैं अपनी ड्यूटी से इस्तीफा दे दूंगा, गांव जाके खेती बाड़ी करूंगा, मेरे पिताजी का बिजनेस संभालूंगा, लेकिन आप लोगों का क्या होगा सर? हाँ इतने साल से आप एसपी हो, क्यों नहीं इस सड़ी हुई सिस्टम के खिलाफ आपने आवाज उठाई? उसले, तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो तुमने उन लोगों के खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया? इसका जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर दुश्मन का शिकार करना है तो जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में खुद शिकारी शिकार हो जाता है, और अगर शिकार करना है तो अपने ऊपर काबू रखो, तभी दुश्मन का शिकार किया जा सकता है। दूसरे अफसोस की बात तो यह कि 25 साल से मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं, लेकिन अब करूंगा, इन करप्ट अफसरों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। देर से सही।
और एक मिसाल है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। अब मैं आ गया। अब देख, 100 सुनार की, 1 लोहार की। अब इस लोहार के हथौड़े की मार देखना। सर, ये फोन लगाकर कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप खुद बखुद एक दो दिन में समझ जाओगे। क्या समझ जाएंगे सर? हाँ, क्या समझ जाएंगे सर? ये देश है ना, अंधे बहरों का है। यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं यहाँ पर। ना आप कुछ करते हैं, ना हमें कुछ करने देते हैं। मुझे लगता है ये अपना सपना कभी पूरा नहीं होगा सर। अपना ये दिन तो कभी आएगा ही नहीं। वो दिन आएगा और जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा, जब हमारा सारा देश एसपी खान के जरिए सुनेगा करप्शन के खात्मे की कहानी। देखते जाओ, अब बहुत जल्द होने वाला है दूध का दूध और पानी का पानी। चलो चलो, आ गया ये, बस। चलो लाइसेंस बताओ, गाड़ी का पेपर, गाड़ियों की चेकिंग चालू है। अच्छा, आपके पास गाड़ी के पेपर तो होंगे, लाओ दिखाओ। माफी चाहता हूँ, जल्दी जल्दी मैं पेपर घर में भूल गया। आप जो भी पेनल्टी लगाना चाहें, जुर्माना लगाना चाहें, मैं तैयार। हाँ, मैं नहीं जानता आपको, आप सच बोल रहे। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप तो गलत काम नहीं कर रहे ना। कब के सब क्या लफड़ा है? अरे छोड़ यार, एक रात हवालात में गुजारेंगे तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। क्या चल रहा है खपके? ये इनसे कहिए कि ये पब्लिक से शराफत से बात करना सीखे। इन्हें इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं पेपर घर में बुलाया, लेकिन ये बात करने का तरीका नहीं है। इन्हें अच्छी तरह समझा दीजिए। चलो कपके, जाने तो सबको चाहिए, जाने दो। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, आइए तशरीफ रखिए। धन्यवाद। कहिए, कैसे याद किया? खान साहब, मैंने आपको फोन करके इसलिए बुलाया है कि आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी? जी। नहीं वर्मा जी, मैं इसे खुशखबरी नहीं मानता। चुनाव सर पर आ रहे हैं, डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की जो कमी हो गई है तो ये जीआर पास करवाए गए हैं। मैं इसे खुशखबरी नहीं मानता। अरे अरे, ये आपने क्या किया? मैं आपको 25 साल से देख रहा हूं, आप 2 बार सस्पेंड हुए, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, मैंने केस जीते और आपने ड्यूटी ज्वाइन की। लेकिन जब आपको डिपार्टमेंट ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, आपने तो लेटर ही फाड़ दिया। खान साहब, आपने ऐसा क्यों किया, बताइए ना, क्यों किया आपने? वर्मा जी, इस ड्यूटी से मुझे नफरत हो गई है और अब मैं ये ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। खान साहब, आपके रिटायरमेंट में कितने दिन रह गए हैं? आप अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। मैं मानता हूं आप बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में काम करते हैं, लेकिन जो ऊपर नेता लोग बैठे हैं ना, वो आपको काम करने से रोकते हैं। सिस्टम ही ऐसा है। हाँ साहब, आपको मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। बस कीजिए वर्मा जी, बस कीजिए। Enough. हाँ साहब,
मैं आपसे एक बात पूछूं, आप कब तक ईमानदारी और सच्चाई से काम करते रहोगे? बताइए ना मुझे, जवाब दीजिए। मैं आपका वकील हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं उसका कुछ मतलब है, समझ रहे ना आप? वर्मा जी, ये मेरा फैसला है कि अब मुझे ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी है, बस। तो खान साहब, ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। आज से, इसी वक्त से आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। नो प्रॉब्लम। अरे अरे खान साहब, खान साहब, क्या बोलूं।
अरे भोसले कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे बहुत टेंशन। अरे यहाँ जाओ, आ जाओ, कहाँ कहाँ जाए साहब। अरे क्या बोलू तेरे को मैं, ए मुन्ना सबको चाय दे। जाने साहब कल कहा गए थे आप? अरे बताता हूँ यार, ये लो चाय लो, चाय लो। ले भाई चाय ले। ये लो चाय लो। अरे वो आपने कमिश्नर साहब थे ना, अरे वो आपने जीएस है ना, उनको कमिश्नर ऑफिस जाना था, उनकी कुछ मीटिंग थी इसलिए उनको छोड़ने गया था। अरे जावड़े साहब वो जगह वो आपके पहचान के थे क्या? तुम लोग को मालूम है वो कौन थे? हाँ कौन थे? अरे हम तो नए जावड़े साहब, आपको मालूम होगा पुराने। अरे वो तुम सबका बाप था, एसपी खान। कौन वो? आप लोगों को क्या करने का है यार, चाय लो ना अपना, जाने दो। एक सच्चा पुलिस वाला और ईमानदार ऑफिसर है। तुम लोग को क्या मालूम, तुम तो अभी भर्ती हुए ना, वो भी पैसा देके। ए जावले पैसा हमने भरा ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम लोगों को है, समझा क्या? अरे बहुत ईमानदारी की बात करता है ना, जाते जाते मेरा भी एक शेर सुनते जा। जरूरत तोड़ देती है इंसान के घमंड को, अगर मजबूरी ना होती ना तो हर बंदा खुदा होता। चाल निकाल। मैं तो निकलता हूँ मगर तुम लोगों का क्या होगा वो सोच लेना। बिल दे दे। अरे चल बहुत ईमानदार है, चाल निकाल। हाँ ठीक है, मैं सेक्रेटरी से बात करता हूँ। हाँ ठीक है। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नमस्ते सर, आपका सुबह फोन आया तो मैं आ गया। कहिए क्या हुकुम है? बताता हूँ, देखिए हमारे राज्य में जब कोई भी ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी से काम करने लगता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है। सर आप तो सीएम हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? आप राजनीति में नए हैं इसलिए आपको राजनीति मालूम नहीं है। जब आप चुनाव जीत के आ जाएंगे ना तब आपको राजनीति पूरी तरह से मालूम हो जाएगी। पाटिल साहब आप तो 5 साल से सीएम हैं, फिर खान साहब को क्यों सस्पेंड कर दिया? हाँ सब बता देता हूँ। आप लोग तो जानते हैं हमारी ये मिलीजुली सरकार है, मेरी पार्टी के 50 MLA और दूसरी वाली पार्टी के 60 MLA। बावजूद इसके उन्होंने मुझे सीएम बनाया। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे अच्छे खाते चाहिए थे, वो बड़े पैसे वाले लोग, 2 नंबर के उनके धंधे। और हमारे एक खास साहब कानून से चलने वाले, कानून की रक्षा करने वाले, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। पाटिल साहब काम क्या है ये, अब तक आपने बताया नहीं। आपको ड्यूटी ज्वाइन करने का लेटर मिला या नहीं? जी सर वो मैं वर्मा जी से मिलने गया था और उन्होंने मुझे ज्वाइन करने वाला लेटर दिया लेकिन मैंने फाड़ दिया। क्यों, अब क्या हुआ? पाटिल साहब मैं 25 साल से काम करते करते इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहां ईमानदारी और सच्चाई से काम करना सबसे बड़ा गुनाह है। अरे भाई आप जैसा अफसर हार मानने लगेगा तो इस राज्य का क्या होगा? देखो मैंने JR पास किया है, अब कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। मैं भी आप जैसे ईमानदारी से 5 साल काम करते आया हूं लेकिन क्या हुआ, हमारी सहयोगी पार्टी है उन्होंने मुझे मदारी का बंदर बना दिया, लेकिन मैं हरा नहीं। अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, प्लीज आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। सर अगर आप समझते हैं कि मेरे ज्वाइन करने से अपने प्रदेश का भला हो सकता है तो आपका ये हुकुम सर आंखों पर, आगे आ जाता हूं। नमस्कार। नमस्ते। काट का रानी सात पुते, मैं तुम दोनों को आणि महारथियों को अपने फार्म हाउस पे काय को बुलाया तुम्हाला माहित आहे ना? जी नहीं साहब, ये बात तो आप ही बता सकते हैं। तो सुनने का
15 दिवस के बाद विधानसभा का चुनाव, तो हम सबको पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी के लिए काम करना, साम दाम दंड भेद जैसा भी बन पड़े, पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी करना। साहब, ये काम तभी पूरा होगा जब पूरा पुलिस प्रशासन हमारा साथ देगा। अरे काय को नहीं देगा, चाइला काय को नहीं देगा। अरे मैं कौन, राज्य का गृह मंत्री। अरे पुलिस मेरी बात नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी, टेंशन तुम लोग मत। लेकिन वो एसपी खान और इंस्पेक्टर भोसले, उनको कौन रोकेगा, वो रहेंगे तो हमारे सबके नाक में दम करके रखेंगे। हाँ साहब, उन दोनों को तो रोकना ही पड़ेगा, वरना वो दोनों। अरे तुम, नमस्कार साहब। अरे नमस्कार, नमस्कार कमिश्नर साहब, क्या बात है, एक आदमी की कमी थी वो भी पूरी हो गई। बसा 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 बसा। लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ। अरे कैसी बात करता है, कैसी बात करता है कमिश्नर साहब, आप कभी गलत टाइम पे आता ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आया है। ए गणपत, नाश्ता चाय पानी आन रे, आनी आराम से आ, अभी तो है ना आप लोग। कुरगोड़े साहब, आपके कहने पे एसपी खान और इंस्पेक्टर भोसले को हमने सस्पेंड किया है, और आप कहते हैं कि आपने उन दोनों ऑफिसर्स को फिर से वापस ड्यूटी पर ज्वाइन कर लिया है। याद रखिए, यही दोनों एक न एक दिन हम सब की वोट लगा देंगे। अरे कमिश्नर साहब, वो 25 साल की सर्विस वाला खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये 5 साल की सर्विस वाले इंस्पेक्टर भोसले से काय को डरना। अरे साहब, आपको पता नहीं कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। याद रखिए, इन दोनों की दोस्ती हम पर एक न एक दिन भारी पड़ेगी। हाँ साहब, कमिश्नर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, भर्ती के वक्त हमने जो रिश्वत ली थी वो सब कुछ इंस्पेक्टर भोसले को पता है। अच्छा हुआ उस वक्त एसपी खान छुट्टी पर था, वरना हम सब अंदर हो जाते। कुरगोड़े साहब, आखिर ये जीआर आपने पास क्यों किया, इसे पास करने की क्या जरूरत थी? अरे कमिश्नर साहब, आप नहीं समझे, वो अपना डीआईजी है ना, उसने क्या कहा कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा अफसरों की जरूरत पड़ेगी, हैं? और फिर वो सीएम से जीआर पास करवा के ले आए, तो मेरे को तो साइन करना ही था ना, मरता क्या नहीं करता, तो मैंने कर दिया। और ये भोसले, उसे तो रोक सकते थे, उसके सर पे हमेशा ईमानदारी का भूत सवार रहता है। अरे काट कर साहब, ज्यादा घबराने का नहीं, बहुत जल्दी उसके सर से भूत उतर जाएगा। बस आप क्या भूत उतारोगे साहब, जब एसपी खान के बच्चे ने मेरे टैंकर पकड़ लिए थे दूध के, तब खुद कमिश्नर ने उसे फोन करके छोड़ने के लिए कहा था, तब टैंकर छोड़ा उसने मेरा, छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। अरे नहीं छोड़ा, तभी तो उसको सस्पेंड किया ना। पर वापस क्यों आया? अरे कमिश्नर साहब, इसको समझाओ। एक बार मेरे को सीएम बनने दो, उसके बाद तुम लोग दूध की जगह सफेद पाउडर भी घोल कर बेचोगे तो तुम्हारे टैंकर को कोई रोकने वाला नहीं। बरा ठीक है, आप बनो सीएम, हम भी देखते हैं कि आप उन दोनों को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, डन। कुरगुड़े साहब, हमें तो पक्का यकीन है ये दोनों इलेक्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। अरे क्या गड़बड़ कर सकता है। नमस्कार, नमस्कार मंत्री महोदय साहब, नमस्कार लुटारी बाबू। बसा। अरे सब कुछ लुटा के आया, हमारे लिए भी कुछ खोका उका लेके आई, इलेक्शन के टाइम है भाई, क्या रे बाबा पैसा लगता है ना। अरे मंत्री साहब, आप कुछ भी चिंता मत करो, सब लाया हूँ, सब बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन आपने उस खान को वापिस? अरे चिंता करू ना करे बाबा, उसको मैं संभालेगा ना, तुम ही चाय पिया। चाय तो अभी तक आई नहीं, अभी तक चाय नहीं आई। एक अनपात, जल्दी चाय आन रे, 3 दिन से मेरे को भी चाय नहीं मिली, अब क्या बोले। हेलो एसपी खान भाई, सुना है कि कल से आप वापस ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं। या पाटिल साहब की वजह से मैं दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं, और ये मेरा आपसे वादा है कि इस बार भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगा। अरे एसपी खान, कितने साल तक ईमानदारी से काम करोगे, मुझे देखो
अरे हम दोनों एक ही बैच के हैं, क्या मिला तुम्हें ईमानदारी से? मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, अपनी जगह बिल्कुल सही और मुतमईन। अरे खान, 25 साल की सर्विस में तुम 3 बार सस्पेंड हो चुके हो, हमारे साथ मिलकर काम करो। कमिश्नर साहब, मैं 5 वक्ता नमाजी हूँ और अब तक मैंने अपने जमीर का सौदा नहीं किया। देखो खान, एक दिन तुम जरूर पछताओगे, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। मैं बड़े अफसरों के तलवे चाट कर आप जैसा बड़ा अफसर बनना नहीं चाहता। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ड्राइवर, चलो। एसपी खान साहब, नमस्ते। नमस्ते खान साहब। क्यों ना हम मिलजुल कर काम करें, वैसे तो आपकी और मेरी मुलाकात हुई ही नहीं। हाँ, मैंने सिर्फ आपका नाम सुना, आपकी गाड़ी देखी, इसलिए रुका। मेरा नाम राजेश लुटारी। जानता हूँ तुम्हें, तुम लुटारी हो ना? शहर का सबसे बड़ा मटका के, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। और मुझे तो अभी एमएलए का टिकट भी मिलने वाला है। तुम जैसे महापुरुष अगर इस क्षेत्र के एमएलए बन जाएंगे तो जनता के साथ साथ पुलिस का भी बहुत कल्याण होगा। खान साहब, होगा होगा, क्यों नहीं होगा। आप सिर्फ फिगर बताओ, जितना चाहे उतना हफ्ता मैं आपके घर हर महीने पहुंचा दूंगा। फिगर बताऊं? हाँ बताओ, फिगर बता। ये रहा मेरा फिगर, ये मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली मुलाकात हमारी बड़े घर यानी हवालात में होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी खातिरदारी मैं तुम्हारी वहां भी करूंगा। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? आओ भाई आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। थैंक यू सर। बैठो। अरे भाई, खड़े क्यों हो? बैठो। नहीं ठीक है सर। आप हमारे मेहमान हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। भाई, खुशकिस्मतों के यहाँ तो मेहमान आते हैं। हाँ। आपके लिए हमने बड़ा अच्छा खाना बनवाया है। सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो, जब भी हम लोग आपसे मिलते हैं ना तो जोश और एनर्जी से भर जाते हैं। और साहब, आप भेदभाव, जाति पाति, ऊंच और नीच को नहीं मानते। और बाकी के ऑफिसर, हम जब मिलने जाते हैं तो हमारे जैसे छोटे लोगों को बाहर खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ बहुत तकलीफ होती है। ठीक है भाई, हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, परमेश्वर सब एक है, लेकिन ये राजनीति मतलब के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं, हमें आपस में लड़वाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपकी सोच बिल्कुल सही है। आप जैसे और 5 इंसान इस हिंदुस्तान में हो ना तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। सर सर, आपकी सोच बिल्कुल सही है, फिर ये ऊपर वाले हमारी बात को क्यों नहीं समझते? हमेशा हमको नीचा क्यों दिखाते हैं? दूसरे जी सर, ये जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, इन्हें सच्चाई और ईमानदारी से एलर्जी है, और हम जो इनके खिलाफ काम करते हैं इसलिए ये हमारे कामों में रोड़े डालते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम सिर्फ पुलिस की नौकरी नहीं करते बल्कि इन घटिया नेताओं की गुलामी करते हैं। सर, बस कुछ ही दिनों की तकलीफ है, अपना मिशन बहुत जल्द ही पूरा होगा। देखो बोसरे, हाँ। मेरे दिमाग में एक प्लान है,
हमें इनमें मिल जाना है और हमें ये कहना है कि आज के बाद हम सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे। इनका पूरा विश्वास हासिल करना है और इनकी एक एक बात से ये मालूम करना है कि इन साजिशों के पीछे किसका हाथ है और इन सबका मास्टर माइंड कौन है। और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम खुद समंदर की तह में घुस कर हम इनका पता चला। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक हम इनका विश्वास हासिल नहीं करेंगे तब तक ये हमें कोई बात बताने वाले नहीं है। हाँ। हम ये कहेंगे कि हम तो आपके हाथों बिक गए। लेकिन सर मैं तो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम करता हूँ सर। घोसले कुछ दिनों के लिए हमें ये करना है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है इसी तरह इन देश के गद्दारों को खत्म करने के लिए हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। बिल्कुल सर मैं तैयार हूँ। साहब इन चमचे लोगों के अड्डे और ठिकाने ये सब मुझे पता है। मैं आपको बताऊंगा। हाँ और ये मंत्री संतरी और वो अपने कमिश्नर रोज रात को कहाँ कुटरगू करते हैं ये सब मुझे पता है। साहब ले जाऊंगा आपको वहां। सर ये पवार मरते दम तक आपके साथ में रहेगा। सर सिर्फ आप मेरे साथ नहीं मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे आप सब पर फख्र है। यस सर। पहचाना? जी सर। लाइसेंस देखने का बहुत शौक है आपको। सॉरी सर। लाइसेंस दिखाऊं लाइसेंस? ड्यूटी कब ज्वाइन की? सर 2 महीने हुए सर। 2 महीने से क्या तीर मारा तुमने? देखो टेबल कितना गंदा हो रहा है, टेबल साफ करो। ओके सर। सर पवार चाय लो। ओके सर। नाम क्या है तुम्हारा? इंद्रजीत खपके सर। इंद्रजीत खपके, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। नाम के साथ साथ अपनी कुछ हरकतें भी अच्छी रखो। सर उस दिन गलती हो गई सर, मैं निकलू। ठीक है सर। सर जी पाटिल साहब जी जी अभी अभी ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं जी। हाँ जी से जी जी थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you. Okay, sir. Bye. Have a great day. Pawar, इस खपके पर कड़ी नजर रखो। ये किससे मिलता है? कौन इससे मिलने आता है? ये किसे फोन करता है? और इसके पास किसका फोन आता है? हाँ, सर। पूरा ध्यान रखो, समझे? ठीक है सर। जाओ। ओके सर। हमारा जो मिशन है उस मिशन को पूरा करने के लिए ये खपके एक बहुत ही मजबूत कड़ी साबित हो सकता है। इनको संभाल लो खान साहब को। कुरकुटे साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर दूंगा। खान साहब थोड़े जिद्दी हैं लेकिन। कुरकुटे साहब नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए खान साहब, बैठिए प्लीज। बस। कहिए कैसे याद किया? खान साहब मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आपकी और होम मिनिस्टर साहब की स्पेशल मीटिंग करा दूं। भाई देखिए खान साहब, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब भूल जाइए, अब वो सुनिए जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं। ठीक है बको, क्या बक रहे हो? खान तुम हमेशा टेढ़ा क्यों बोलते हो?
ये होम मिनिस्टर साहब हैं, जरा तमीज से बात करो, तमीज से। मालूम है, और जहां तक तमीज की बात है तो वो तो हम पुलिस वालों में होती नहीं है, इसलिए जो भी बात कर रहा हूं सुन लो। अरे आओ राजेश सेठ, आओ बैठो बैठो, इनसे मिलो, एसपी खान साहब। अरे घबरने का नहीं रे राजेश सेठ, खान साहब को मैं बुलाया इधर, बिंदास। इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, राजेश लुटारी, मटका के, जो शराब चरस और गांजे के साथ साथ वीआईपीस को लड़कियां भी सप्लाई करता। क्यों राजेश लुटारी, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? एसपी खान, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है? वही तो ढूंढ रहा हूं, और जिस दिन सबूत मिल जाएगा उस दिन पूरी दुनिया के सामने मैं ये साबित कर दूंगा कि ये वीआईपीस का असली दल्ला है। कुरकुटे साहब, आप इन्हें समझाओ, क्योंकि इनका जीआर तो आप ही ने पास करवाया, समझाओ इन्हें। समझाता हूं। अरे खान साहब, जो उसमें हो उसका को गवा दे। अभी देखो 25 सालों में तुमने क्या किया है, सस्पेंड पे सस्पेंड, ट्रांसफर पे ट्रांसफर, इधर से उधर भागने में मजा आता है क्या? नहीं, मजा नहीं आता। हाँ गुस्सा जरूर आता है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जब गुस्सा आता है तो उसे उतारने का मौका नहीं मिलता। तो थूक दो ना गुस्सा, उतारने का क्या जरूरत है? गुस्सा मेरे को भी आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, थूक थूक दिया, पूरा गुस्सा थूक दिया, कोई टेंशन नहीं, बोलो। कुरकुटे साहब, आप तो बहुत बड़े नेता हैं। आपका क्या, आप कब थूकते हैं और कब उस थूक को चाट जाते हैं, ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। लेकिन मैं एक बहुत ही उसूल परस्त पुलिस ऑफिसर हूं, और मैं अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। जाइला, बड़ा सिद्धांतवादी है रे। देखो खान साहब, देखो मेरी बात सुनो, ये सिद्धांत से पेट नहीं भरता, उसके लिए नोट चाहिए, नोट, समझे ना? अभी तुमको कितना नोट चाहिए मेरे को बता दो, और मेरे रास्ते का काटा मत बनो यार। इन कागज के टुकड़ों को अपने पास रखो, ये गरीब जनता के वोट खरीदने के लिए काम आएंगे। काश हमारे देश में गरीबी ना होती, मैं तुमको ये बताता कि तुम्हारी जगह ये जिम्मेदार कुर्सी नहीं बल्कि जेल की काल कोठरी है। एसपी खान, चिल्लाओ मत, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही ये गृह मंत्री, और अगर यकीन ना आए ना तो पूछ लो इससे। गुड बाय। देखा कुरकुटे साहब, बोलो, इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं जाते। तो कमिश्नर साहब कुछ तो करो, अगर उसके लिए कुछ भी चाहिए वो पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं, नहीं तो आप मुझे बताओ, उनका बंदोबस्त मैं कर लेता हूं। ए तांबा रे तांबा रे। अरे उसका जीआर तो कुरकुटे साहब ने ही पास करवा के दिया था ना। अरे कमिश्नर साहब, मैं तुमको कितनी बार समझाऊं कि वो जीआर मैंने नहीं सीएम ने पास किया था, तभी तो मेरे को साइन करना पड़ा, नहीं तो वो हरामी का पिल्ला मेरे घर में मेरी इज्जत का कचरा करता था ना। धन्य प्रभु की उसने मेरा बैग नहीं देखा, वरना मेरा करोड़ों रुपया यूं ही डकार लेता। अरे करोड़ रुपया ही नहीं रे, अगर वो तेरे को बैग के साथ पकड़ता ना तो तेरे को पूरा का पूरा डकार जाता। चल अभी इसमें से दो चार बंडल लिए कमिश्नर साहब को दे दे, और बाकी सब यहाँ रख दे। अरे नहीं गुरगुटे साहब, इसकी क्या जरूरत,
वैसे ही लुटारी हमेशा हफ्ता देता ही रहता। रहने देने देने, इनको जरूरत नहीं है, छोड़। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? अरे ले लो ले लो कमिश्नर साहब, ले लो। अरे मिनिस्टर साहब का जो हुक्म है। थैंक यू। बैग ले दे। हाँ ये लो सर। सर। हाँ पवार, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मुझे, हेलो जी पाटिल साहब, गुड मॉर्निंग। जी जी मैं कल सुबह आ रहा हूं। ओके सर, अगर आप कहें तो मैं भोसले को भी अपने साथ ले आऊं। ग्रेट सर, ग्रेट। सो आई विल बी एट योर प्लेस बाय 9 o'clock। ओके सर, हैव अ ग्रेट डे। Have a great day. Thank you. पवार, मैंने सुना है कि कुछ नए लड़के हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर आए। हाँ सर। सर आपको याद है उस दिन कुछ लड़कों ने आपको रोका था? ये वही लड़के हैं। उसमें से 2 लड़के कमिश्नर के रिश्तेदार हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो कमिश्नर के रिश्तेदार हैं? सर ये बात मुझे जावड़े ने बताई। उन लड़कों ने उससे कहा था कि हम होम मिनिस्टर और कमिश्नर के रिश्तेदार हैं, और हमने 2-2 लाख रुपए दिए हैं भर्ती होने के लिए। तो अब ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। कहानी की शुरुआत तो उन्होंने की है, लेकिन इस कहानी का खात्मा एसपी खान के हाथों। भोसले कहाँ है? सर आपकी तारीफ। अरे ये एसपी साहब है। सर भोसले साहब तो अभी हमारे लिए खाना लाने गए, वो आते ही होंगे, 1-1.5 घंटा हो गया। सर बैठिए, आपके लिए पानी लाऊं। सर आप कब आए? अभी आया। कैसे आना हुआ सर? भाई वो पाटिल साहब का फोन आया था, कल उन्होंने हम दोनों को सुबह 9 बजे बुलाया। I'll come and pick you up by 9 o'clock. Be ready. ओके। ये लड़के कौन है? सर ये लड़के कल आए हैं, जिनको आपने फोन किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, इनके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है सर, टेक केयर। ओके। अभी अभी जो साहब आए थे, क्या आप लोग उनके बारे में जानते हो? जी नहीं सर, हम लोग तो नहीं जानते। वो हमारे डिपार्टमेंट के सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था तब मुझे भी ट्रेनिंग उन्होंने ही दी थी। हाँ ये बात और है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन फिर भी आज तक वो पुलिस डिपार्टमेंट में चट्टान की तरह डटे हुए हैं। सर जब हम लोग भर्ती के लिए आए थे तब तो वो सर नहीं दिखे थे। हाँ सर, हम लोगों ने भी उन्हें नहीं देखा था। अरे बुद्धू, तुम लोग कैसे देख पाओगे उन्हें? उस वक्त वो छुट्टी पे गए होंगे ना? जी नहीं, वो छुट्टी पर नहीं बल्कि सस्पेंड किए गए थे, और मैं भी तो 2 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था। लेकिन आप लोगों का नसीब समझो कि 1 हफ्ते बाद मैं सस्पेंड हुआ था, वरना हम लोगों की मुलाकात भी नहीं होती। पर सर आप सस्पेंड क्यों हुए? चलो खाना खा लो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। सर आप हमारी सीनियर नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता भी। आज जो भी कुछ खाने को मिलता है वो आपकी वजह से, और आपके खाए बगैर हम लोग कैसे खा सकते हैं? हाँ सर, आपके बिना हम भी नहीं खाएंगे। क्या बात है, आज मुझे आप सब पर फक्र महसूस हो रहा है। सर पुलिस से बड़ी समाज सेवा का काम कौन कर सकता है? बड़े दुख की बात है, चंद गद्दार पुलिस वालों ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया है। क्या बात है राजेश, ऐसा कहकर तुमने मुझे मेरी माँ बाबूजी की याद दिला दी। आज मैं जो कुछ भी हूं, बस
उनकी बदौलत हूं। कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। हाँ सर। हाँ सर। अभी तुम फ्री हो? जी। तुमको मेरे पास आना। पर कहाँ? फार्म हाउस में। ओके सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। ठीक है सर, ओके बाय। सुनील, तुम लोग एक काम करो, खाना खा के सो जाना। पर सर खाना तो खाइए। नहीं, मुझे अर्जेंट काम के लिए जाना है, कमिश्नर साहब ने बुलाया है। ठीक है सर, थोड़ा खा लीजिए। आप लोग खाना खा लो। अरे ये सर भी ना। भोसले, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। बसा बसा बसा, इनसे मिलो। अनिता मैडम, हेलो। हाय। अरे हाथ मिला लो। अरे हेलो। शराब तो पियोगे ना? जी जी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, पुलिस डिपार्टमेंट ओके भी शराब नहीं। कैसे चलेगा? अरे समझ गया समझ गया, अनीता मैडम के हाथ से। ए मैडम, चलो चलो सर्व करो, चलो बना बना बना, देखो कैसे नहीं पीते। बना बना बना। लो, 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 मारो। देखो घबरने का नहीं, कोई शर्म करने का नहीं। यहाँ पर ये कमिश्नर नहीं, मैं मंत्री नहीं, आप इंस्पेक्टर नहीं, सब दोस्त हैं। और सच्ची बोलता हूँ भोसले साहब, आप जैसे काबिल इंस्पेक्टर की हमारे देश को सख्त जरूरत है। और एक बात और कमिश्नर साहब, ये इलेक्शन के बाद 100% मैं सीएम बनने वाला हूँ। और चीफ मिनिस्टर बनते ही कमिश्नर साहब DIG। अनीता मैडम होम मिनिस्टर, और आप इंस्पेक्टर से सीधा SP। जी नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं अपनी पोस्ट और काम से बहुत खुश हूं। भोसले, कैसी बातें कर रहे हो? ये होम मिनिस्टर है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इनके इशारों पे नाचता है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं हूं ना, मैं होम मिनिस्टर बनके आपको SP बनवा दूंगी। अरे भोसले सोचो मत, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये सोचो कि पांचों उंगली घी में और सर कड़ाही में। भोसले ये देखो, ये बार बार सस्पेंड और ट्रांसफर होने से अच्छा है कि तुम रामपुर जाके अनीता मैडम से चिपक लो। पर सर, हम खान साहब को क्या जवाब देंगे? अरे खान साहब को मारो गोली। अरे उस बुढ़े का एक पांव तो खबर में है और दूसरा पांव केले के छिलके पे, वो कभी भी फिसल सकता है। डोंट वरी। उसकी चिंता मत करो। ठीक है ठीक है सर, जैसे आपको उचित लगे। फिलहाल मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्द? जी सर, एक बहुत जरूरी काम है। काम है तो जाना ही। थैंक यू भोसले साहब। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू गुड नाइट। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। क्या तीर चला है अनीता मैडम ने उसके दिल पर। कहीं ऐसा ना हो कि रियल में वो इन पर लट्टू हो जाए। अरे अनीता मैडम के तो हम भी लट्टू हो गए हैं, तो वो किस खेत की बोली है। मैडम उसके चक्कर में हमको मत भूल जाना। हाँ रुखसार, इतनी देर से क्या लिख रही है भाई? पापा आज तो छुट्टी है, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करके कल ले जाना है, और परसों से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, उसी की तैयारी में तो लगी हूँ। बाबा माफ कर दे, गलती हो गई, तुझसे पूछ लिया। अच्छा सुन जी,
इस बार तेरे बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। दिल लगा कर पढ़ो। जी पापा। सर। हाँ भाई, जावड़े कहाँ है? जावड़े जी आपका इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में। हाँ तुम बैग लेकर जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ तैयार होकर आते। ओके बेटे, यूनिफॉर्म पहनकर चलता हूँ। ओके पापा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा तो जॉगिंग हो रही है? जी सर। जाओ फ्रेश हो जाओ और राजेश की हेल्प करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चा पहलवान, एक्सरसाइज कैसे चल रही है? फाइन सर। गुड, जाओ तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ। ओके सर। चलो। ओके सर। सर सर चाय लीजिए। थैंक यू। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, देखिए शाम के 7 बज गए, अब तक रुखसार नहीं आई। इस वक्त तक वो आ जाती, अब तक वो क्यों नहीं आई? आप भी ना बस खाम खा फिक्र करते रहते हैं। क्लास में गई है, ट्रैफिक में फंस गई होगी, बस आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे फिक्र क्यों ना करूं, आखिर वो मेरी बेटी है, रोज 6:30 बजे आ जाती है। आज इतनी देर हो गई, कुछ बता कर गई आपको? हाँ बता तो रही थी, क्लास के बाद किसी सहेली के यहाँ जाएगी। अरे आप उसे कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेते? हाँ ये ठीक है, अभी करता हूँ। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? अरे मोबाइल ऑफ हो गया तो क्या, आप तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। आपकी बेटी समझदार है, बड़ी हो गई है अब। हाँ परवीन, इसी बात की तो फिक्र है कि अब हमारी रुखसार जवान हो गई है, और मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि रुखसार को ज्यादा देर तक बाहर रहने की इजाजत ना दें, मगर आप समझती नहीं। पापा, अम्मी। अरे बेटे आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई, कहाँ थी आप? कुछ नहीं अब, बस कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मुझे छुप छुप के आना पड़ा। हाय अल्लाह, खुदा का शुक्र है कोई अनहोनी नहीं हुई। देखिए तो कितना सहम गई है हमारी बच्ची। अरे बेगम साहिबा, आप तो खामखा हमारी शेरनी को डरा रही हैं। और रही बात उन बदमाशों की, तो कल तक तो उनका पता चल जाएगा। बेटी आप उन्हें पहचान तो लोगी ना? नहीं पापा, उन लोगों ने हेलमेट पहना था और वो लगातार मेरा पीछा किए जा रहे थे, पर मैं डरी नहीं, उन्हें चकमा देके मैं गली से निकल आई। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उन बदमाशों को एक पंच देके होश ठिकाने लगा देती। आखिर सेल्फ डिफेंस आप ही से तो सीखा है पापा। हाँ तू तो शेर की बच्ची है, तेरी अम्मी तो खामखा डरती है, समझाए नहीं? वाह जी, आपको भी रंग बदलते देर नहीं लगती। कुछ देर पहले कितना परेशान हो रहे थे। अम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाइए। आओ बेटी। हाँ बेटे खाना खा ले। मेरी भूख तो तब मिटेगी जब मैं इन बदमाशों को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाऊं। अरे भाई भोसले क्या कर रहे हो, 9 बज रहे हैं। आइए सर। पाटिल साहब इंतजार कर रहे होंगे, उसके बाद मुझे दफ्तर भी जाना है, चलो। बस सर 5 मिनट, चाय भी पी के चलते। चाय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी पंक्चुअलिटी है, दफ्तर में चाय पिलवाता हूँ, चलो क्विक। ओके सर। क्विक। चलते हैं। अरे इम्तियाज। जी सर। बाजार से 2 सीढ़ियाँ मंगवाना, एक सिंघम रिटर्न और दूसरी इंडियन। जी बिल्कुल सर। याद से। ओके सर। भोसले कल रात जब मैंने तुम्हें फोन किया था, हाँ, तो तुमने ये कहकर फोन काट दिया था कि बाद में फोन करता हूँ, उसके हाँ बाद तुम्हारा फोन आया ही नहीं। क्या रात भर शराब पीते रहे? जी सर, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी। रात को जब हम खाना खाने बैठे थे
उसी वक्त होम मिनिस्टर के चमचे का फोन आया था, अपने कमिश्नर साहब का। क्या कह रहा था चमचा? सर, आधी रात को उसने मुझे होम मिनिस्टर के फार्म हाउस पर बुलाया। मैं खाना छोड़कर वैसे ही चला गया। रात को 2 बजे तक रुकना पड़ा सर। तब तो तुमने उनका लाइव शो भी देखा होगा। क्या बताऊं सर, उस वक्त मेरे पास कैमरा होना चाहिए था, मैं सबकी वाट लगा देता सर। अगली बार जब वो तुम्हें बुलाए तो अपना कैमरा साथ लेकर जाना और उनका वो लाइव शो अपने वीडियो में कैप्चर कर लेना। ओके सर। आगे चलकर बहुत काम आएगा। जी हाँ। हेलो सर। अरे मेरी छावी, और कितना इंतजार करवाएगी तू? तेरे बिना तड़प रहा ना मैं इधर। मैं तो यहाँ पर कब की आ चुकी हूँ, बस तुम्हारा इंतजार कर रही। कब आओगी तू? अरे वाह, तू तो बड़ी सियानी निकली, जल्दी पहुँच गई। आई लव यू। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तू वही रहना, वेट कर मेरा, बस अभी आया मैं। बाय 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 बाय। सर आपने हुक्म किया और मैं भोसले को लेकर हाजिर हो गया। हाँ शुक्रिया। हाँ भोसले, आपकी पोस्टिंग कहाँ हो गई? सर ऑर्डर तो मिली है, लेकिन ऑर्डर में पोस्टिंग के बारे में जिक्र नहीं है सर। सर भोसले का ट्रांसफर अभी तक रामपुर नहीं हुआ है, क्योंकि कुरकुटे ये नहीं चाहता है कि भोसले का ट्रांसफर रामपुर में हो। उसे वहां कोई ऐसा ही ऑफिसर चाहिए जो उसके इशारे पर दुम हिलाए। सर भोसले का रामपुर ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ आप करवा सकते हैं। मैं कब करता हूँ? मैं DIG से बात करके देखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भोसले का ट्रांसफर रामपुर में पक्का हो जाए। और आपके लिए सिफारिश करता हूँ कि आपका पोस्टिंग बेलापुर में हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जानेमन, जब भी तू मेरे पास आती है ना, मेरी जान निकल जाती है, सांसें गर्म हो जाती है। पहले बताओ मेरी टिकट कंफर्म कब होगी होम मिनिस्टर बनने की? मुझे CM बनने दो, फिर सारी मिनिस्ट्री तुम्हारी होगी। सच? मेरे पे भरोसा है ना? भरोसा है, इसलिए तो आपके साथ ही ले जा रही हूं। जानेमन, पूरा फार्म हाउस हिल गया रे। हमारी ये सरकार किन लोगों की वजह से बनी है? पाटिल साहब, कुरकुटे और काटकरीनी की वजह से आज आप CM। पाटिल साहब के लिए हमने क्या नहीं किया? भैया तुम बात सुनो, पाटिल साहब सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने पाटिल साहब को CM बनाया है। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोगों की गलत फहमी है। उन्होंने हमें CM इसलिए बनाया है कि उन्हें अच्छे अच्छे खाते चाहिए हुए थे, वो पैसे वाले लोग, 2 नंबर के काम करने वाले लोग। उन्होंने ऐसा मुझे मेरे साथ बर्ताव किया है कि मेरी ये हालत बना दी है। ये जो महात्मा गांधी के बंदर होते हैं ना, उन बंदरों जैसी हालत कर दी है, जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता। लेकिन पाटिल साहब आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि अगर मैं कुछ करता, कुछ बोलता तो वो धमकी दे देते कि आपकी सरकार गिरा देंगे, और मैं नहीं चाहता कि सरकार गिर जाए, क्योंकि मैं ईमानदारी से 5 साल काम करना चाहता था। भोसले, कल मैंने तुम्हें दोपहर में फोन किया था, तुमने फोन काट दिया? सर वो खान साहब साथ में थे ना, इसके लिए तुरंत फोन कट करना पड़ा। SP खान के पास क्या पूछने गए थे? सर वो क्या है ना कि समझा, अपनी पोस्टिंग के बारे में बात करने गए होंगे। जी सर, वही पूछने गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया है। अरे भोसले, तुम पोस्टिंग की फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारी पोस्टिंग के लिए, मैं कुरकुटे और पाटिल साहब से बात करने जा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है सर। सर वो अपनी अनीता मैडम कैसी है? अनीता मैडम कैसी है, क्या मतलब? आई मीन
उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, लगता है उसके हुस्न का जादू तुम पर भी चल ही गया। चलो गाड़ी में बैठते हैं। जी सर। हो। नंतर 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 फोन करा, नंतर फोन करा, मीटिंग चालू आहे। काट कर जाए। हाँ साहब। अपनी मिलीजुली सरकार को 5 बरस भूल जाने का और 15 दिवस बाद चुनाव है। ये अपनी दूसरी मीटिंग आए है। रामपुर से राजेश सेठ चुनाव लड़ रहे और बेलापुर से अनीता मैडम और नगर से आप खुद खड़े। हाँ। तुम्हारा जीत तो एकदम पक्का, वो तुम्हारा इलाका है यार। जिया, जिया। कुरकुटे साहब, आप नेवासा सेगांव से 2 बार चुनाव जीत कर आए और अभी होम मिनिस्टर भी हो, और आगे जो अपनी सरकार बनेगी उसमें मुझे होम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए, प्लीज सर। काटकर, हम जितने भी MLA है ना, सब राजेश सेठ की वजह से है। उन्होंने हमारी पार्टी के लिए 200 करोड़ का चंदा दिया था, तब जाके हमारी पार्टी जीत के आई। अरे सातपुते, तुमको और तानपुरे को शुगर मिल का परमिशन किसने दिया? मैंने दिया, पर उसके बदले मुझे क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। और गए साल कारपोरेशन के इलेक्शन में मैंने और तनपुरे ने 25-25 करोड़ रुपए दिए थे, वो भूल गए तुम? काट कर साहे, जब देखो कुत्ते की माफी एक दूसरे को काटते रहते हो। और सुनो, जितनी भी तुम्हारी क्राइम और नंबर 2 की फाइल है ना, वो सब मैंने बंद करवा दिया ना, तो फिर काय के लिए कुर्सी के लिए इतना झगड़ा? अरे इसके लिए हमारे पास समय नहीं है रे बाबा। गुड इवनिंग सर। ए कमिश्नर, गुड इवनिंग। बसा, तुम ही बसा। थैंक यू सर। कमिश्नर साहब, बड़ी देर कर दी आपने। अरे भाई, इस भोसले की वजह से देर हो गई। और फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब का बंगला जो है शहर से बहुत दूर है, जाने आने में इतना टाइम लगता है कि पूछिए मत, इसी वजह से देर हो गई। अरे भोसले साहब, काय को त्रास देता कमिश्नर साहब, थके होगे ना? बहुत थक गए। गणपत चहान रे। चाय छोड़ दीजिए, सिर्फ गणपत से मिलवा दीजिए। माफ करना साहब, गणपत को तो मैंने भी आज तक नहीं देखा। कमिश्नर साहब, हमने भोसले से प्रॉमिस किया है कि इसको इंस्पेक्टर से SP बनाने का। क्या बात। और इसकी पोस्टिंग भी रामपुर में ही होगी और बेलापुर इसके अंडर में आता है, क्योंकि वहां से हमारी पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुरकुटे साहब, भाई साहब, नमस्कार। आइए। भाई कमाल है, कैसी है ना? मैं होम मिनिस्टर बनने से पहले ही आप लोग खड़े हो गए, क्या बात है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे भोसले भोसले, हमने तुमको सस्पेंड कर दिया था ना, इसके वास्ते ये तुमको देख रहे हैं। लेकिन लुटारी साहब, ये 5 साल में भोसले को इंस्पेक्टर से SP बनाने का हमने वादा किया है, हैं? और आज से ये हमारे साथ ही काम करेगा। इसी खुशी में गन छोड़ दीजिए, गणपत को मत बुलाइएगा, हम लोग अपने अपने घर में ही चाय पी लेंगे, उसको आराम कर। बॉयज, हेलो। आप भोसले? हाँ सर। इलेक्शन होने में अभी 15 दिन बाकी हैं। मैं तो 25 साल से ऊपर वाले से दुआ मांगता आया हूँ, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन लगता है कि अब
हम अपने मिशन में जरूर जरूर कामयाब होंगे। सर, आपको अगर भरोसा है तो ऊपर वाला आपकी बात जरूर सुनेगा। सर, 5 साल से मैं देख रहा हूँ सर आपको, 5 वक्त के नमाजी हैं आप, इसलिए अब की बार उसको आपकी बात माननी ही होगी। चलो देखते हैं इस बार ऊपर वाला हमारा कहां तक साथ देता है। हाँ, अपने यंग ब्रिगेड का क्या हाल है? डोंट वरी सर, उनको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। यस सर, उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा सर आपको, ये पृथ्वी सिंह भोसले का वादा है सर आपसे। ओके भोसले, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सर, बाय। चलो प्लेट्स तो लगा दी, अब ऐसा करते हैं साहब आने तक सिंगम फिल्म देखते हैं। अरे यार सिंगम सिंगम, पहले नाश्ता कर लेते हैं, भूख लगी है बहुत जोर से। हाँ यार, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं घर में 10 बॉयल अंडे और साथ में 10 पाव खाता हूँ। बाप रे, 10 अंडे और 10 पाव। ए, बच्चा नहीं हूँ मैं, 18 साल का नौजवान हूँ। और ध्यान में रख, मैं पहलवान है। अरे यार पहलवान, ये घर तेरा नहीं भोसले साहब का है। यार सुनील, सिंगम की सीढ़ी लगाना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे फिर से देखनी है। अरे यार सिंगम सिंगम सिंगम, कितनी बार देखोगे तुम लोग, क्या देख के पीएचडी करोगे? ठीक है, ऐसा करते हैं सनी की इंडियन लगाते हैं। नहीं नहीं यार, सिंगम लगा दे। सुनील भैया लगा दो ना सिंगम। पहले सिंगम सिंगम, पहले पहले सिंगम, पहले सिंगम, पहले सिंगम, पहले सिंगम यार पहले। क्या हो रहा है सब? ये मच्छी मार्केट नहीं मेरा घर है, यहाँ रहना होगा तो डिसिप्लिन के साथ रहना होगा, आई बात समझ में? चलो चुपचाप नाश्ता कर लो। सुनील, क्या हो रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं सर, वो सिंगम की सीढ़ी लगाने पर तू मैं हो रही थी। अब सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने ये सीढ़ी तुम्हारे लिए बाहर से मंगवाई है, इसे ध्यान से देखो क्योंकि पुलिस में भर्ती होकर यह सब तुम्हें करना है, आई बात समझ में? सर हमें आके यहाँ 1 महीना हुआ, हमारी भर्ती कब होगी कुछ पता है? भर्ती का प्रोग्राम तो खान साहब ही बता सकते हैं, अभी चुनाव नजदीक आए हैं, चुनाव के बाद ही तुम्हारी भर्ती का काम हो सकता है। मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। अरे लगता है मेरा पुलिस में भर्ती होने का सपना पूरा हो जाएगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर सर घर में माँ अकेली है, मला तिचे खूब आठवण येते हो। बच्चा पहलवान। देखो मैं आज ही आप लोगों के बारे में खान साहब से बात करता हूँ। यस सर। ठीक है, 1 मिनट। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, जी सर, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर, ओके। तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके सर, नाश्ता नहीं, रहने दो। बाप रे, ड्यूटी के लिए नाश्ता भी छोड़ना पड़ता है? भर्ती के बाद तुम्हें भी नाश्ता छोड़ना पड़ेगा बच्चा पहलवान। हाँ रुखसार बेटे, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी पापा, पढ़ाई तो एकदम अच्छी चल रही है और मैं मन लगा के पढ़ भी रही हूँ। आपको अपना नया कॉलेज कैसा लगा? जी हाँ, कॉलेज तो अच्छा है क्योंकि पापा जो आपकी पसंद है वो मेरी भी पसंद है। बस बेटा बस, बहुत हो गया नाश्ता, बहुत हो गया। क्या पापा, आप भी, आपको अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है, आपकी सेहत का जरा ख्याल किया कीजिए। क्यों, क्या हुआ हमारी सेहत को? अभी भी अकेला 10-12 बार तो भारी पड़ सकता हूँ। क्या बात है जी, बाप बेटी किस बात पर इतना हंस रहे हैं? आपको क्यों बताएं, प्राइवेट बात है। लीजिए चाय। अच्छा बेगम साहिबा, एक बात बताइए, क्या हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते? ये बात तो सच है जनाब, जब आप एक बार घर से बाहर निकल जाते हो तो आपको खाने पीने का होश ही कहाँ रहता है। अरे बेगम साहिबा, हम तो
डाइटिंग कर रहे हैं? जी हाँ पापा, आपको देख के तो ऐसे ही लगता है कि वाकई आपको डाइटिंग की जरूरत है। मुझे तो आपकी सेहत की बहुत ही फिक्र रहती है। बेगम साहिबा, आप मेरी सेहत की फिक्र मत कीजिए और अपनी सेहत के बारे में सोचिए, क्योंकि आप हमारे इस घर की होम मिनिस्टर हैं। अच्छा पापा, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ओके बेटा, बाय पापा, संभल के जाना। टेक केयर बेटा, टेक केयर। टेक केयर। कितनी जवान और खूबसूरत हो गई है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। कोई शक? बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है? नमस्ते सर। नमस्ते साहब। क्या बात है बच्चों? तुम्हारे बॉस भोसले साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? फिलहाल तो साहब बाहर गए हुए हैं। हाँ सर, वो बोल रहे थे कि ड्यूटी ज्वाइन करनी है, शायद बोलापुर, हाँ रामपुर का नाम ले रहे थे। आप चाय नाश्ता कर लीजिए, तब तक वो आ जाएंगे। ठीक है। हाँ। अरे सर, आप कब आए? लीजिए। शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अभी अभी तुम्हारा नाम लिया और तुम आ टपके। लो भोसले, लगता है कि तुम्हारी उम्र 100 साल से भी ऊपर होगी। धन्यवाद सर। वैसे भी इस देश को अगर राजेश लुटारी और कुरकुटे जैसे गद्दार और बेईमानों से बचाना है तो 100 साल की उम्र तो लगेगी ही ना सर। हाँ ये बात तो है। वैसे भोसले, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई है? सर रामपुर में। जरा संभल के रहना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक इलाका है और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी ये शराब की आदत तुम्हें हमसे अलग ना कर दे। और वैसे भी कुरकुटे और पार्टी तुम्हें हमसे अलग करने के लिए शराब तो क्या, शबाब का बिस्तर भी तुम्हारे आगे सजा कर रख देंगे। जी नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। माना कि शराब मेरी कमजोरी है, शबाब, शबाब को मैं नजर उठाकर भी नहीं देखता हूं सर। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि इन बच्चों के खाने के लिए क्या लाए हो? सर बच्चों के लिए वड़ा पाव, मेरे लिए थोड़ा सा चखना और शराब की बोतल। भोसले तुम नहीं सुधरोगे। ठीक है, तुम्हें पीना है तो पियो, लेकिन इन बच्चों के सामने अभी नहीं और मेरे सामने कभी नहीं। अंडरस्टैंड? ओके सर, आगे से ध्यान रखूंगा। और इस ध्यान के साथ साथ इन बच्चों के खाने पीने का भी ध्यान रखना। जी सर। मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय। अच्छा बच्चों, तुम ये बताओ कि तुम यहां नौकरी करने आए हो या देश की सेवा करने? सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, सरहद पे दुश्मनों का खात्मा करना चाहता हूं। सर मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। इस देश में बैठे हुए दुश्मनों का मैं खात्मा कर सकूं। वेरी गुड, नेक्स्ट। सर मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूं, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था आर्मी में, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया सर। गुड, नेक्स्ट। सर हमें तो बस नौकरी करनी है, काम कोई भी हो हम सब कर लेंगे, बस पुलिस की वर्दी मिलनी चाहिए सर, इसे पहन के हम अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं सर। नेक्स्ट। सर मैं भी अपने देश की सच्चाई और ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूँ। सर मुझे भी पुलिस की नौकरी करनी है और मुझे भी देश के लिए जान देनी है, क्या आप मुझे एक मौका दोगे? मतलब ये कि तुम सब पैसे के लिए नौकरी करना चाहते हो? हाँ सब, पैसा ही अपना ईमान है, पैसा ही अपना जहान है, पैसे पे दुनिया मरती है, पैसा ही अपना भगवान है। देखो बेटा, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, मजे की बात तो यह है कि पैसे को अहमियत ना देना, देश के प्रति कुर्बानी का जज्बा पैदा करो अपने आप में,
और इस बात का संकल्प लो कि देश के उन गद्दारों को खत्म करना है जो हमारे देश की जड़ों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। Am I right or wrong? जी सर। देखो, जैसे कि खान साहब ने अभी अभी हमारे देश और समाज को खोखला कर देने वाले दीमक के बारे में बताया, क्या आप सब लोग उस जहरीली दीमक के बारे में जानते हो? जी नहीं सर। तो जान लो, वो जहरीली दीमक कोई और नहीं, हमारे अपने कमिश्नर और बीके कुरकुटे और राजेश लुटारी जैसे गद्दार बिजनेसमैन हैं। यही हमारे देश को लूट रहे हैं और इन्हीं की वजह से तुम्हारे जैसे होनहार और टैलेंटेड लड़के नौकरी से वंचित हैं। हमें सबसे पहले इन्हें खत्म करना होगा। हमें इनकी राजनीतिक विरासत और ताकत को खत्म करना होगा और इन्हें खत्म किए बिना ना तो आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, ना इस देश और ना इस समाज की तरक्की होगी। समझे? सर, जब तक मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं उनका खात्मा कैसे करूंगा? हाँ सर, उसके लिए हमें वर्दी पहननी ही होगी। हाँ सर, उसके लिए हमें पुलिस की नौकरी करनी ही होगी। एक बात बताओ, नौकरी मिलते ही तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु क्यों सर? क्योंकि कुरकुटे एंड कंपनी तुम्हें रिश्वत देंगे, रिश्वत के पैसों से तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे और उसके बाद ये चाहेंगे कि सारी जिंदगी तुम उनकी गुलामी करो, उनकी जी हुजूरी करो और उनके तलवे चाटो। इसका मतलब हमें नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप सबको नौकरी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इन देश के गद्दारों को खत्म करने के बाद। तो इस लड़ाई में तुम सब हमारे साथ हो? हाँ सर। हाँ सर। देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, अभी तुम्हारे पास पूरे 2 दिन हैं। अच्छी तरह गौर कर लो और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचो। तो मैं क्या समझूं, तुम सब हमारे साथ हो? हाँ सर। हाँ सर, हम सब आपके साथ हैं। ये हुई ना बात, शाबाश, जय हिंद। जय हिंद। बंधुनो आणि भगनीनो, सर्वांना माझा नमस्कार। मी बीके कुरकुटे हा राज्याचा गृहमंत्री। तालियां। मेरे को गृहमंत्री कौन बनाया? आप लोगों ने बनाया। अभी कुछ दिन के बाद चुनाव आने वाले हैं, तो बंधुनों और भगनीनों, मैंने आपके वास्ते मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। तालियां। ये किसके वास्ते बनाया? इस वास्ते बनाया कि आपके बच्चे पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। तालियां। तो मैं विनती कर दो कि मेरे को ही वोट दो, फिर देखो मैं ये राज के लिए कितना अच्छा अच्छा काम करता हूं। और मैं कितना अच्छा अच्छा काम करूंगा ये हमारे मित्र बताएंगे। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आप लोगों की वजह से और माननीय गृह मंत्री कुरकुटे साहब की वजह से मैं इस राज्य का सहकार मंत्री बना। और अपने कार्यकाल में क्या क्या नए बदलाव आते हैं। क्रांति दल पार्टी जिंदाबाद। क्रांति दल पार्टी जिंदाबाद। अभी हमारे दूसरे कार्यकर्ता भाई सातपुते अपने विचार प्रकट करेंगे। भाइयों और बहनों, इस बार कुरकुटे साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। कुरकुटे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो गन्ने के अच्छे दाम मिलेंगे, दूध भी अच्छे भाव से जाएगा। भाइयों और बहनों,
अगर कुरकुटे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसानों की तरक्की होगी और देश के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी क्रांति दल पार्टी की निशानी है गेंद। गेंद निशानी के ऊपर आप अपनी कीमती मोहर लगाकर कुरकुटे साहब को विजय कीजिए। ये आपसे मेरी विनती है। क्रांति दल पार्टी, क्रांति दल पार्टी। यार राजू, रात के 10 बज गए, भोसले साहब अभी तक नहीं आए। हाँ यार, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। सब्र करो यार, सर आते ही होंगे। यार राजेश, मुझे तो लगता है हम बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनने जा रहे हैं। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारी बात सच है, नौकरी तो तब मिलेगी जब जिंदा रहेंगे। हाँ यार, तू सच कह रहा है। मैं तो कल सुबह होते ही यहाँ से कल्टी मार दूंगा। मैं भी कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। जाओ, वैसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर? वो राजेश और गिरीश घर जाना चाहते हैं। ठीक है, जिसको जाना है वो कल सुबह चला जाए। ठीक है, फिलहाल खाना खा लो, प्लेट्स लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, हम आप किसान भाइयों से विनती करते हैं, हमारे पाटिल साहब ने 5 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला है। हमारे पाटिल साहब ने किसानों के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन सामने वाले पार्टी ने किसानों पे खाली भ्रष्टाचार और अत्याचार किया है। हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और हम सब किसानों के लिए काम करेंगे। मेरे किसान भाई और बहनों, अब इसके बाद हमारे पार्टी के बारे में और उनके काम के बारे में पाटिल साहब बताएंगे आपको। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि आप इतने अच्छी मात्रा में सभा के लिए उपस्थित हो गए हैं, और इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि पिछले चुनाव में आपने मुझे चुन के दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं एक मिलीजुली सरकार का सीएम बन गया। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि हमारे सहयोगी पार्टी के सदस्य जब कोई बुरा काम करते, अगर मैं उसमें दखल अंदाजी करता तो वो सरकार गिराने की धमकी देते थे। इसलिए अच्छे काम मैं नहीं कर पाया, और इसलिए हमारे गृह मंत्री और कमिश्नर ने मिलकर अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, यह भी आप लोग सब जानते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को अपील करता हूं, विनती करता हूं कि हमारी पार्टी को संपूर्ण बहुमत से जिता दीजिए। हमारी किसान पार्टी की निशानी है बैट यानी के बल्ला। जरूर चुनाव के दिन इस निशाने पर मोहर लगाइए और हमें संपूर्ण मत से जिता दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। बच्चों, तुम्हें यहां आए हुए 1 महीना हो गया। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी भर्ती होगी या नहीं, तो गौर से सुन लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुरकुटे और उसके साथियों ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब हमी को कुछ करना है। इस देश के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए मैंने और भोसले ने एक प्लान बनाया है कि तुम जैसे बहादुर और जोशीले नौजवानों को अपने साथ लेकर तुम सबकी ताकत का सही इस्तेमाल करना है। हमें इन देश के गद्दारों का सफाया करना है, सफाया। और अब वो वक्त आ गया है। वो तो सब ठीक है सर, पर एक नई क्रांति मिशन पूरा हो जाने से हमारा क्या फायदा होगा? ये मिशन से हमें क्या मिलेगा? हाँ सर, बताइए हमें क्या मिलेगा? हाँ बोलिए सर, आपका मिशन पूरा होने पर हमें नौकरी मिलेगी। दूसरे समझाओ इन्हें। जी सर। Thank you.
क्या तुम लोग जानते हो? भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, ये लोग कौन थे जानते हो? उन्हीं की वजह से हमारे देश को आजादी मिली, उन्हीं की वजह से हम आज यहां इकट्ठा खड़े हैं। जब उन्होंने अपने देश के लिए आजादी की क्रांति छेड़ी थी, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं नेता बनूंगा या इंस्पेक्टर बनूंगा, कुछ नहीं सोचा था। ऐसे निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने देश की सेवा की थी। और एक तुम लोग हो जो क्रांति के नाम पर थर थर कांपते हो, ऐसे थर थर कांपने से क्रांति नहीं होगी, लेकिन ये क्रांति होगी, शुरू भी होगी और खत्म भी होगी, क्योंकि हमारे नेता का नाम है एसपी खान। और इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया है एसपी खान, एक नई क्रांति। समझे तुम लोग? शाबाश भोसले, शाबाश। बच्चों, तुम समझे कि भोसले ने क्या कहा? तब भी नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। कुरकुटे और उसके साथियों की वजह से तुम में से किसी को भी पुलिस की नौकरी नहीं मिली। ये उनकी साजिश थी तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, हम करके दिखाएंगे। तुम जैसे बहादुर जवानों को अपने साथ लेकर अब देखना, अब शुरू होगी एसपी खान की एक नई क्रांति। जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस राज्य से भ्रष्टाचार हमेशा के लिए मिट जाए, तो हमारी पार्टी को, किसान पार्टी को चुन कर लाइए। हमारा एक एजेंडा रहेगा, इस राज्य में 100% साक्षरता रहेगी, हमारी सरकार महिलाओं के लिए विशेष काम करेगी, बुजुर्ग लोगों के लिए भी काम करेगी। हमारी पार्टी की निशानियां है बैट यानी बल्ला, तो किसान पार्टी को जिता कर लाइए। किसान पार्टी, किसान पार्टी, भारत माता की जय। किसान पार्टी जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। मैं समझ सकता हूं सर कि इस हार से आपको कितना दुख हुआ होगा। ये तो होना ही था सर। आज के जमाने में सच्चाई, ईमानदारी, शराफत का यही नतीजा है। मेरी बात सर, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। जिस जनता के लिए आपने इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, उस जनता ने आपको क्या दिया? एक शर्मनाक हार और जीत उन मवालियों, देशद्रोहियों और गुंडों को। सर, हर बात की एक हद होती है, बहुत हो गया। जिनकी जगह हवालात में होनी चाहिए थी, आज वो आपकी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठेंगे।
ये जनता जो है ना, ये पैसे के आगे अपना ईमान बेच चुकी है। लेकिन सर, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। अब मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। उन सब का खात्मा कर दूंगा। ऐसा मत सोचिए खान साहब। सर, अब शुरू होगी एसपी खान की नई क्रांति। जय हिंद। I'm sorry.
हाँ जशन, हमारी जीत का जशन आए। हम एक बार फिर से चुन के आ गए। मंजे काय काय मंजे काय मंजे, एक बार फिर जनता ने हम पर विश्वास किया। और साहब, और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह था गेंद। गेंद मतलब बॉल, और हमारी बॉल ने पाटी साहब की पार्टी को पूरी तरह हराउट कर दिया सबको, और फिर जीत गए हम। और हमारे उम्मीदवारों ने उनकी गेंद को ऐसे चौके लगाए, ऐसे छक्के मारे कि किसान पार्टी ऑल आउट। अभी 4 दिवस बाद, 4 दिवस बाद शपथ ग्रहण करनी है। जूटे, तुम चा प्रमोशन तो पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे पक्का यकीन था कि आपकी क्रांति दल पार्टी ही जीतेगी, और जीत गए। चाइला लुगारी कुठे गेला? फोन है। कौन है? साहब, मैं गोटिया बोल रहा हूँ। हाँ गोटिया, कैसा है तू? हाँ बोला बोला गोटिया। साहब, भाई को 6 लोगों ने टपका डाला। हाँ सर। टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ रे, मैं देखता हूँ। तू टेंशन मत ले। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। दे, खान को फोन लगा, लाओ कर फोन लगा उसको, बोल उसको। हेलो एसपी खान, तुम्हारे इलाके में राजेश लुटारी का खून हो गया, पता करो कि वो लोग कौन है। हाँ कमिश्नर साहब, ऐसा अक्सर होता है। ये राजेश लुटारी एक गुंडा, ड्रग्स स्मगलर और मटका किंग होने के बावजूद चुनाव लड़ा था। अरे बस 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 करो। अब ऐसे लोगों की दुश्मनी तो किसी ना किसी से होती है ना। हो सकता है कि किसी ने दुश्मनी की खातिर उसका खात्मा कर दिया हो। जितना कहता हूँ उतना सुनो, किसी भी तरीके से उसके दुश्मन और कातिल को अरेस्ट करो। This is my order। जाइला, क्या रे, लुटारी को कौन मारा होगा? अरे सर, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। ए, जाइला, मेरा दारू की तरह, दारू की तरह। फोन लगा रे, मेरी बात सुन। कहीं खान ने तो उसको नहीं बताया? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये मेरा ही मास्टर प्लान था, तुम और तुम्हारे साथियों के खिलाफ ये एक्शन प्लान। आणि आमचा प्लान तुमच्या खातिर ये रहा। भोसले, उडाऊन टाक त्याला। यस सर। तुमको क्या लगता है, तुम्हारी तरह मैं भी गद्दार हूं? नहीं, मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता, और खान साहब का साथ तो कभी नहीं छोड़ सकता। फिर भी मैं तुम्हें एक भागने का मौका देता हूं, अगर भाग सको तो भाग। ये मौका हाथ से नहीं कमाने का, चल 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 भाग लो। थैंक यू, जल्दी निकल लो। जान बची तो लाखों पाए। ये सब के सब अपने अंजाम तक पहुंच गए। शाबाश, आज से एसपी खान की एक नई क्रांति शुरू हो गई है। सब मेरे साथ बोलो, जय हिंद। जय तो हाथ हाथ में, हम साथ साथ में, मुश्किल की घड़ी में चलना है साथ में। तो हाथ हाथ में, हम साथ साथ में, मुश्किल की घड़ी में चलना है साथ में। सर पे अपने कफन बांध कर, माथे पे अपने तिलक लगा कर, जान से अपना सीना दान कर, कहते चले हैं हम।
वंदे मातरम 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 जीवन अपना यहाँ बनाने आए थे सब हम, एक दूजे को मिलते जुलते यार बन गए हम। बोझ हमारे सर पे कितना उसे भुला कर हम, दुख तो अपने साथ साथ है नहीं